हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने एग्जांपल नंबर 3.2। अ मेंबर फॉर्म्ड बाई दी कनेक्टिंग अ स्टील बार टू एन एल्युमिनियम बार। तो एक स्टील बार आपकी एल्युमिनियम बार से कनेक्टेड है, शो इन फिगर 3.3। इस फिगर में आप देख सकते हैं। अज्यूमिंग दैट दी बार आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बकलिंग साइड वाइज, मतलब बकलिंग लोड लगा रखा है उन्होंने। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ पी, यानी पी की वैल्यू निकालनी है। दैट विल बी द कॉस्ट टोटल लेंथ ऑफ द मेंबर्स टू बी डिक्रीज बाय द 0.25। तो पता पड़ता है कि बकलिंग लोड की वजह से 0.25 mm का डिफॉर्मेशन है। द वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस फॉर स्टील एल्यूमिनियम 210 and 70 GPa, यानी कि स्टील के लिए उन्होंने दे रखा है 210 और उसने एल्यूमिनियम के लिए दे रखा है 70 GPa। तो देख लीजिए यहाँ पे फटाफट से, यहाँ पे ये मैंने मान लिया फर्स्ट और ये मैंने मान लिया सेकंड, यानी एल्यूमिनियम मैंने मान लिया फर्स्ट और स्टील को मान लिया सेकंड। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ इज इक्वल चेंज इन लेंथ फॉर फर्स्ट, चेंज इन लेंथ फॉर सेकंड। तो वैल्यू इज पी एल ओवर ए ई फॉर फर्स्ट, पी एल ओवर ए ई फॉर सेकेंड। तो पी कॉन्स्टेंट है, एल की वैल्यू फर्स्ट के लिए लगा रहा हूँ 380, उसके बाद एरिया हो गया 100 का स्क्वायर, एल्यूमिनियम के लिए दिया 70 GPa। तो ये लग गया मेरा, यहाँ पे मैं ये नहीं लगा था ब्रैकेट प्लस के। अब मैं सेकंड के लिए आ जाता हूँ, तो लेंथ इज 350 का स्क्वायर और ये दे रखा है मेरे को 210 × 10³, और ये मेरा है 0.25 के बराबर। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ आराम से। तो मेरे को यहाँ पे क्या वैल्यू मिलती है देख लेते हैं फटाफट से। 380 / 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 70 × 1000, ये वैल्यू निकल के ही आपकी 5.4285 × 10⁻¹। प्लस दूसरा देख लेते हैं, 300 / 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 210 × 1000, ये निकल के आपकी वैल्यू 5.714 × 10⁻¹। तो इन दोनों को जोड़ देता हूँ, प्लस के 5.4285 × 10⁻¹। तो ये कुछ वैल्यू निकल के आई मेरे पास, इसका मैंने 0.25 में डिवाइड दे दिया, तो आंसर निकल के आ रहा है मेरे पास 224360.41 न्यूटन। तो किलो न्यूटन में चेंज करूंगा तो 3 डेसिमल आगे की तरफ आ जाएगा, तो 224.36 किलो न्यूटन। तो आंसर कितना आ रहा देख लेते हैं, 224.4। तो दिस इज राइट आंसर। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।